जोधपुर नगर निगम के पूर्व महापौर रामेश्वर दादिज की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो पैदल यात्रा गुरुवार शाम को शहर के चांगेट पर पहुंची। यात्रा के चांगेट पर पहुंचने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तथा जिला सेवा दल संगठन की ओर से ढोल धमाकों के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी सर्किल पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व महापौर दादिज का साफा में माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय तथा दलों में दल सेवा दल के नारे लगाए। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों को संबोधित करते हुए पूर्व महापौर दादिज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से देश भर में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों को उक्त यात्रा से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 35,000 किलोमीटर तक निकाली जा रही इस यात्रा में राहुल गांधी देशवासियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दादिज ने बताया कि उनकी पैदल यात्रा उन स्थानों पर पहुंच रही है जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं पहुंच रही है। स्वागत कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष विक्रम सोनी, राधिका शर्मा, बालूराम सेन, मुकेश जोशी, अशोक मुंद्रा, रामलाल लखन, मेघराज बोहरा, रामस्वरूप डागर, अरविंद भटनागर, ऋषि लांबा, वीरेंद्र सिंह रावत, रामेश्वर मेवाड़ा, धनंजय गौड़, बाबूलाल पंवार, नवीन गर्ग तथा मगन सोलंकी सहित अन्य कांग्रेस जन शामिल थे।